आ तुसी देख सकते मेरी पुरानी पिक है जी, आ पिक च तुसी मेरी मुछां चेक करो, हीट करता गर्म हवा देंदा जो कि साढ़े मुछां नूं वालां नूं नुकसान देंदा है ना, मुछां दा ही फ्रेंच बन रहा। तुसी देख सकते हैं फर्क आ शेप च ते ए शेप च बहुत फर्क आ, पर इत्थों आ सीधी नहीं करनी, सीधी बहुत भैड़ी लगती है। आपां हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं थोड़ा अपना दिखबाल, उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोंगे ते मैं भी बहुत घेंट हाँ। तो अज आपां गल करांगे मुछां बारे, मुस्टैच बारे, कि बहुत सारे वीरां दे सवाल ने मुछां बारे, आपां इक इक करके उहनां दे सवालां दे जवाब देवांगे। तो जिहड़ी मैं सब तो पहले मुछां वाली वीडियो अपलोड करी सी वीरे, उहनूं तुसी बहुत सारा प्यार दे रहे हो, दिलों थोड़ा सारिआं दा दिलों धन्नवाद। तो जिन्हां वीरां ने उह वीडियो नहीं देखी उह जाके देखण। तो सब तो पहला तुसी मेरी पुरानी फोटो देखो स्क्रीन पर, आ तुसी देख सकते मेरी पुरानी पिक है जी, आ पिक च तुसी मेरी मुछां चेक करो, बहुत ही छोटिया छोटिया ने, क्योंकि वीरे जदों मेरिया मुछां छोटिया सी मेरे खुद के मन में बहुत सवाल सके भी ये ग्रोथ किवें करनगियां वध। तो पहले वीरे मुछां रखण तो पहला सबर ते संतोख बहुत जरूरी आ, क्योंकि वीरे ऐ नहीं मुछां रातों रात ही वध जाणगियां, मुछां वधणगियां थोड़ियां जरूर पर कुछ समा मंगणगियां थोड़े तो टाइम मंगणगियां। कुछ टिप्स ने सब तो पहला वीरे देसी घे अपने मुछां लई बहुत बेस्ट है, रात नूं जिद्दां भी तुसी अपनियां फ्रैश करदा तुसी मूँह वाश करना मुछां वाश करते हो राती सौण लग्गियां, देसी घे वीरे वधिया जरूर लाना तुसी, देसी घे लाण नाल थोड़े मुछां दी ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा देसी घे मैं अपनी मुछां लाया वीरे ग्रोथ वास्ते। नंबर दो मुछां नूं जो देखिया थोड़ियां मुछां ग्रोथ हो रही ने तो मुछां नूं वार वार मरोड़ियां नहीं देनियां, क्योंकि मरोड़ियां देना थोड़िया वाल झड़ जाते हैं इतों तो मुछां की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। हुण गल करते हैं आपां ड्रायर की, आ ड्रायर है वीरे इहनूं तुसीं मुछां सैट कर लगे हैं, बस इहदी वरतों सवेरे एक बार ही करनी है, जो सवेरे आप उठ के एक बार ही सैट करनी है, मुड़ मुड़ के आप इस ड्रायर मुछा नहीं वरतेंगे, क्योंकि वीरे ये हीट करता गर्म हवा देता जो कि साढ़े मुछा वालों नु नुकसान देता है ना, इस करके आप बस सवेरे उठते उठ के एक बार ही ये मुछा सैट करा, वार बार आप मुछा सैट नहीं करा, क्योंकि वीरे एक बार मुछा सैट कितिया पूरा दिन निकल जाता, मैं तुहानूं दस दसा पूरा दिन सैट रहिंदियां मुछां, वार वार यूज़ नहीं करना। तो हुण आपां करांगे मुछां दे शेप दी गल, जिन्हां वीरां दियां मुछां लंबियां ने लौंग ने वी उह अपनियां मुछां नूं किस तरह शेप दे सकदे ने, पहले तुहानूं मैं दस दूं अपनियां मुछां, मुछां दी लंबाई तुसीं दे सकदे आ, अपना मुछ दी लंबाई थले तक आ रही है, यानी कि मुछां दा ही फ्रेंच बन रहा, पर सरदार बंदे फ्रेंच नहीं रखते। हुण तुहानूं दस्सांगे असी आपां किस जिन्हां वीरां दी लंबियां मुछां ने उहदी किस किस तरह दे शेप रख सकदे ने। हांजी सब तो पहलां आपां आ मुछां नूं लंबा करके आ लास्ट वाला कोना फड़ना, कोने तो हल्की जी आपां इत्थों बैंड पाते हुए इहनूं आपां इत्थे ड्रायर फेरांगे, हल्की जी कोने दी आपां बस ड्रायर फिरन तो बाद मुछ की शेप वास्ते आपां शेप देने वास्ते हल्की जी इतों गलाई इतों बेंड करांगे, ये शेप उन्हां वीरां वास्ते है जिन्हां नूं लंबी लंबी गोल गलाई नहीं पसंद, आ तुसीं देख सकते हैं हल्की जी बस इतों आह गलाई देनी है, तो इधर इधरली शेप तुसीं दे सकते हैं, तुसीं देख सकते हैं फर्क आ शेप च ते ए शेप च बहुत फर्क आ। तो हुण आपां इधरली भी मुछ सीधी करके हल्का जिहा इतों बेंड करांगे, इस वास्ते इतों गलाई देनी है इतों हल्की जी,
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਆਹ ਗਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਆਹ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਐਨ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਇਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਰਾਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਇੱਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਗਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੁੱਛ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਗਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਆਹੀ ਸ਼ੇਪ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਆਹ ਗਲਾਈ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਧੰਨਵਾਦ।